हाय एवरीवन, दिस इज़ किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वेज पैड थाई की रेसिपी। ये थाईलैंड की बहुत ही फेमस डिश है जिसे राइस नूडल्स के साथ बनाया जाता है। इन राइस नूडल्स को ग्लास नूडल्स भी कहते हैं और ये ऑनलाइन अमेजोन पर इजीली अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ये नूडल्स परचेज कर सकते हैं। ये नूडल्स बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम जैम्बर उइलेक सॉस बनाएंगे। ये एक तरह का चिली सॉस है जो कि पैड थाई में यूज़ किया जाता है। सॉस के लिए मैंने ले ली है 8 से 10 खड़ी लाल मिर्च, जिनके स्टेम मैंने निकाल दिए हैं और इनके बीज भी मैंने रिमूव कर दिए हैं। बीज से बहुत ही ज़्यादा तीखा हो जाता है सॉस, इसलिए मैंने बीज निकाल दिए हैं। आप चाहें तो रख सकते हैं बीज। इसके अलावा यहाँ मैंने ले ली है थोड़ी सी इमली, इनके भी मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं। अब इन दोनों को ही हम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम इन मिर्च को डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें विनेगर डालेंगे, 7 से 8 हम इसमें गार्लिक क्लोव्स डालेंगे मीडियम साइज़ की, 1 इंची हम इसमें अदरक का टुकड़ा डालेंगे जिसे मैंने 3-4 टुकड़ों में कट कर लिया है, और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है, अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम मिक्सर जार में इमली को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी इमली भी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हमारे चिली वाले मिक्सचर को हम डालकर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे। लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये कुक हो चुका है, ये रेडी है। अब इसे हम फ्लेम से उतार लेंगे और अब हम पैड थाई सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, आप लाइट सोया सॉस भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम ब्राउन शुगर डालेंगे, आप ब्राउन शुगर की जगह नॉर्मल वाइट शुगर ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम तैयार किया हुआ इमली का पेस्ट डालेंगे। अब हम तैयार किया हुआ चिली का पेस्ट डालेंगे, ये हम पूरा ही डाल देंगे इसमें, ये लगभग 2 बड़े चम्मच है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा सॉस रेडी है। अब हम नूडल्स की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम्स राइस नूडल्स ले लिए हैं, इन्हें फ्लैट नूडल्स और ग्लास नूडल्स भी कहते हैं। अब इन पर हम एकदम गर्म पानी डालेंगे, मैंने उबलता हुआ पानी डाला है इसके ऊपर, और इसे 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आप जो भी नूडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैकेट पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही नूडल्स को पकाएं। अब इन्हें हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें बहुत थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, ऑलिव ऑयल। इन नूडल्स में टोफू का इस्तेमाल किया जाता है पर मैं पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर या टोफू। तो मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, आप उसकी जगह 100 ग्राम टोफू ले सकते हैं। और अब इन्हें हम शैलो फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से पलट पलट कर। तो पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे नूडल्स रेडी हैं। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और अब हम नूडल्स को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने वही पैन ले लिया जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था। इसमें लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल है। इन नूडल्स को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ वेजीज। सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 मीडियम साइज स्लाइस्ड अनियन, थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई गाजर, और यहाँ मैंने कैप्सिकम ली है थोड़ी सी, और रेड और येलो बेल पेपर लिए हैं। आप कोई भी एक ले सकते हैं, इनमें आप अपने पसंद की दूसरी वेजीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ब्रोकली। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम गार्लिक डालेंगे, 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब इसमें हम अनियन डालेंगे, थोड़ा कुक करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे 1/4 चम्मच। अनियन सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें हम बाकी की वेजीज डाल देंगे, इन्हें भी 1 मिनट के लिए सौते करेंगे।
हमको 100% कुक नहीं करना है वेजीज़ को। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं शिमला मिर्च को पकते हुए, ये थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप स्प्राउट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। पैड थाई में स्प्राउट्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। और अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। और अब इसमें हम हमारा रेडी किया हुआ सॉस डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हमको पूरा ही सॉस इसमें ऐड करना है। मिक्स करते जाएंगे, सॉस अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे, अच्छे से हमको इसको मिक्स करना है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम रोस्टेड पीनट्स डालेंगे, भुने हुए मूंगफली के दाने, इसे भी आप स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करें, तो हमारे नूडल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब इन्हें हम सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से और पीनट्स डालेंगे इस पर। ये बहुत ही यम्मी नूडल्स हैं, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।